अभी गियर की बात करें तो पहले भी बोला था इस ट्रैक्टर में T20 माने 20 स्पीड गियर बॉक्स है, मतलब आसानी से समझना चाहो तो इस ट्रैक्टर में 2 गियर बॉक्स है, मतलब आगे जाने के लिए 8 गियर, पीछे जाने के लिए 2 गियर। हाँ, मैं इसमें ऑपरेट करूँगा अन्य 60 ट्रैक्टर की तरह। हाँ, और इसके अंदर एक स्पेशल लीवर है जो पास आके अगर आप देखोगे, हाँ, तो इस लीवर का नाम है स्प्लिटर लीवर या बूस्टर गियर। जब मैं इसको बुल की तरफ में इसको करूँगा, हाँ, लीवर लगाऊँगा, तो होगा क्या कि इस ट्रैक्टर की ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। हाँ, एक उदाहरण दूँ कि देखिए, मैं एक ट्रॉली को लेके रोड पे चल रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इंजन पे लोड आने लगा, आरपीएम गिरने लगे, तो मुझे गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है, खाली मुझे ये जो स्प्लिटर गियर है इस गियर को एंगेज करना है, जिससे होगा क्या ऑटोमेटिक इसमें ट्रैक्टर में ताकत आ जाती है। और जब आपको लग रहा है कि ट्रैक्टर सीधी चल रही है, फिर इसको घोड़े की तरफ आप लगा दो और नॉर्मल स्पीड में चलने लगता है। मतलब हर एक गियर में आपको एक ताकत वाली गियर इसमें उपलब्ध होती है। अगर आप खेत की बात करो तो हर एक उपकरण के लिए साधारण ट्रैक्टरों में आपको होता क्या है कि या तो एक या दो ही स्पीडें मिलती हैं, मगर इस ट्रैक्टर में मिनिमम 3 स्पीड हर एक उपकरण के लिए या 4 स्पीड आसानी से मिल जाते हैं। जैसे रोटोवेटर के लिए पहला लो का 1, लो का 2 मिलते हैं, मगर इसमें है क्या लो का 1, लो के 2 के पीछे 1 मिलता है, वो इस गियर से मिल जाता है, तो 3 गियर को मिलते हैं। इसका मतलब आरपीएम ड्रॉप करो और ताकत बढ़ जाता है। ठीक, वही है इस ट्रैक्टर की खूबी। तो टोटल 20 स्पीड इसके अंदर आपको प्राप्त होते हैं।